नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को अमर बेल के फायदे बताने वाला हूँ। अमर बेल जिसे हम आकाश बेल या स्वर्णलता के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम स्वर्णलता क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता दूँ। जो अमर बेल की लतें होती हैं यह सोने के समान कलर की होती हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णलता पड़ा है। और अमर बेल जो होते हैं दोस्तों, ये पराश्रयी लता है, यानी कि दोस्तों दूसरे पर निर्भर होने वाली लता है। ये खुद की अपने लिए भोजन नहीं बनाती, बल्कि जो भी जिस भी पेड़ के ऊपर में रहते हैं के सारे भोजन को ये खींच लेते हैं, पूरे उस पौधे को चूस लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं अमर बेल के कुछ फायदे के बारे में। फायदे जानते हैं कौन कौन सा बीमारी को ठीक करने का काम करता है और हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। दोस्तों हमारे इस वीडियो का मकसद है आप तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाना, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे एक दर्शक ही नहीं बल्कि हमारे चैनल पर जुड़े हुए एक छोटा सा परिवार है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा निरोग रहे, स्वस्थ रहें और दोस्तों हर तरह के जो आयुर्वेद में छुपे हुए ज्ञान है उसे जाने। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अमर बेल जो होते हैं बहुत सारे बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक खुजली को दूर करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, खुजली को दूर करने का काम करता है। खुजली दूर करने के लिए अमर बेल को पीस करके इसका लेप लगाना चाहिए। इसके लेप लगाने से जैसे कि आपकी जांघों में खुजली, तो वहाँ पर इसका लेप लगा दीजिए, जांघों की खुजली ठीक हो जाते हैं। पेट के कीड़े मारने के लिए अगर अमर बेल के 2 से 3 चम्मच की मात्रा में रस पिला दिया जाए तो पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। गंजापन दूर करना है तो जैसे कि दोस्तों अगर आपके बाल जो समय से पूर्व झड़ चुके हैं, गंजापन दूर करना चाहते हो तो अमर बेल का जो है पेस्ट बना लीजिए, यानी पीस करके इसका लुगदी तैयार कर लीजिए और आपको अपने गंजे सर पर लगाना है। बिल्कुल नियमित रूप से अगर आप 1 महीने तक यह उपाय करेंगे तो आपके गंजे सर पर फिर से बाल आ जाएंगे। छोटे कद के बच्चों की वृद्धि के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो पत्ते जो नाटे रह गए, छोटे रह गए, वो चाहते हैं अपने कद बढ़ाना, तो आम के वृक्ष पर जो चिपकी हुई अमर बेल होते हैं इसे निकाल लेना है और इसे सुखा कर इसे इसका पाउडर बना लेना है। और 1-1 चम्मच आपको देसी गाय के दूध के साथ में, जो देसी गाय होती है इनके दूध में आपको 1 चम्मच अमर बेल के जो लते होती हैं इसका आपको जो है पाउडर बना करके 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ पिलाने, तो जो छोटे कद के बच्चे रहते हैं, नाटे रहते हैं, ये भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों जैसे कि अगर आपके बाल की जो भी समस्या, बाल का झड़ना, बालों का टूटना, डेंडर पाना, अगर आप इसके पानी से उबाल करके अगर आप बाल धोते हैं तो बालों का टूटना, बालों का झड़ना, डेंडर जैसे समस्या दूर हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द में, गठिया के दर्द में अगर अमर बेल को पीस करके इसका अगर पेस्ट लगा दिया जाए तो दोस्तों जोड़ों के दर्द हैं, गठिया के दर्द हैं, ये भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अगर जो लोग बाजपन की समस्या से परेशान हैं, गर्भ ठहरना चाहते हैं, जो लोग जैसे संतान प्राप्त की सुख लेना चाहते हैं, तो अगर वो अमर बेल का, ठीक है, अमर बेल का पाउडर बना करके प्रतिदिन 1-1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने दूध में, गर्मा की जो गुनगुने गर्म दूध होते हैं गाय के, जो बछड़ा वाला गाय होते हैं, यानी कि जो गाय जिसने बछड़ा दिए हैं, जन्म दिए हैं, उसी के दूध में आपको 1 चम्मच की मात्रा में, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच की मात्रा में इसका पाउडर मिला करके पीते हैं तो गर्भा ठहर जाते हैं, यानी कि जो गर्भा नहीं ठहरे वो भी गर्भा ठहरने लगते हैं। और ये प्रयोग आपको मासिक धर्म के 5 दिन के बाद करनी है। मासिक धर्म जैसे शुरू हो जाती है तो इसके 5 दिन के बाद यह प्रयोग करनी है, बिल्कुल ही गर्भा में बच्चे ठहर जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि जो भाई घाव की समस्या से परेशान है, अब देखना जो शुगर की बीमारी वाले मरीज होते हैं उनके घाव जल्दी से नहीं भरते, तो अगर जो लोग पुराने घाव से परेशान है, जिनके घाव काफ़ी बढ़ चुके हैं, अगर वो अमर बेल के पानी से घाव को धोते हैं तो जल्दी से घाव भरने लगते हैं, घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपको इसी तरह के और भी आने वाले समय में वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। तो मिलते आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो के ऊपर प्यार बरसाते रहे, इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।